अब हमें शक होना शुरू हो गया है। अब हमें गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा है, तुम्हें शक हो रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, यही तो मकसद होता है कान भरने का। अब तुम पलटवार करना, अब तुम लोग सारा कुछ मुझ पर छोड़ो। नाजी विचारक गोबल्स का एक मशहूर कोट है, एक झूठ को हजार बार दोहराओ तो वो सच बन जाता है। सच और झूठ के बीच में फर्क करना हर बार आसान नहीं होता, लेकिन वाहियात और बेमतलब की अफवाहों को पहली बार में सुनते ही पहचान जाना एक गुण है जो सतर्क रहकर और अपनी चेतना को जिंदा रखकर हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर झूठ का भड़काव समझदारी पर हावी हो जाता है तो इंसान के कदम विनाश के दलदल में धंस जाते हैं, जहां सहारे के लिए सिर्फ पछतावा होता है। बबलू, ये भी कोई वक्त है घर लौटने का? बताओ कहाँ गए थे? नहीं बताएंगे, क्या कर लेंगे आप? मम्मी से कोई ऐसे बात करता है? और कोई मम्मी ऐसे बात करती है? सुहा मलिक, हो क्या किया तुम्हारी एनर्जी को? खाना नहीं खाया? खाया है सर। तो असली मम्मी की तरह दाड़ो, नहीं खुद की मम्मी की तरह। चलो वंस अगेन, नूपुर क्या लाइन था इसका? बबलू, ये भी कोई वक्त है घर लौटने का? बताओ कहाँ गए थे? नहीं बताएंगे, जाओ क्या कर लेंगे आप? मम्मी से ऐसे बात करते हैं? लाओ लाओ तुम्हारा मम्मी। वेरी गुड सुहा, वेरी गुड। सर, सारा क्लासरूम में अलग अलग रिहर्सल चल रहा है और हमारे पास हमारी डांस प्रैक्टिस के लिए कोई बड़ा जगह नहीं है, क्या हम टेरेस खुलवा सकते हैं? प्लीज सर, सर प्लीज सर, प्लीज सर, सर सिर्फ दो दिन बचे एनुअल डे के लिए, प्लीज सर। और सर केयर तो हम कर ही लेंगे सर, डोंट वरी सर, प्लीज दो दिन सर। प्रिंसिपल साहब दे सकते हैं ना? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। बॉयज, चेयरमैन सर ने परमिशन दे दी, लेकिन 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 नो लाउड म्यूजिक और आप लोगों के ग्रुप के सिवा किसी को अलाउ नहीं होगा। पक्का पक्का। वन मोर थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इट इज, टेरेस की दीवार पर या पैरापेट पर कोई शरारत नहीं। यस सर, यस सर, श्योर। वॉचमैन से कह दीजिएगा कि हमसे बात हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बच्चों का ये उत्साह देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। जैन जी, हमारे टीचर्स भी उतने उत्साहित है एनुअल डे को लेकर, कहते हैं कि यहाँ से लेकर गेट तक डेकोरेशंस करेंगे। गुड, वेरी गुड। लगभग 550 पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, हमारे स्कूल की अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। हमने खास प्रेस टीम का इंतजाम किया। नहीं, बढ़िया ही होगा सर। बच्चे जैसे कहते हैं ना, लेट्स रॉक इट, लेट्स रॉक इट। गुड जतिन, थैंक यू सर। अच्छा, इसी थीम के दो वेरिएशन और बनाओ, एक स्टेज के इस कोने के लिए, एक इस कोने के लिए। रिजवान, ये देख कैसा लग रहा है। अच्छा यार अनुराग, लेकिन और थोड़ा ऑरेंज कलर डाल सकते हैं? अच्छा लगेगा। हाँ यार, सुपर कूल लगेगा। चल ठीक है। एनुअल डे हर स्कूल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, जहां हर एकेडमिक्स के परे बच्चों के अनगिनत टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और टीचर्स पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करके इस त्योहार को कामयाब बनाते हैं। जीनियस विजन स्कूल में भी 11 मार्च 2016 को देर रात तक बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। 14 मार्च को एनुअल डे था, पर फिर यह एनुअल डे हुआ ही नहीं, कैंसिल करना पड़ा, एक ऐसे कारण के लिए जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हेल्प मिस्टर बराक, शर्मा जी, जोरा मैम,
सांस चल रही है, हेल्प! अरे कोई है? अरे एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, हेल्प, हेल्प! अनुराग, क्लास 8 सर, अनुराग मंडल। ये बच्चा टीचर्स क्वार्टर में कर क्या रहा था? गिरा कैसे? नो आइडिया। वो हमारे आर्ट और क्राफ्ट टीचर पार्थो दत्ता ने अनुराग को गिरते हुए देखा। उन्होंने आवाजें लगाई, बट ज्यादातर हमारे टीचर स्कूल में लगे हुए थे प्रिपरेशन के लिए। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? वो जोरा मलिक को कहा है वो कर देंगे इन्फॉर्म। हॉस्पिटल कौन सा है? जेआर शुक्ला मेमोरियल हॉस्पिटल। अच्छा, ये बताइए मुझे, किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं? नहीं सर, सोचा आपको पहले बोलते। पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देते हैं और पहुँचते हैं वहाँ। सत्येंद्र जी, हम जोरा मलिक बोल रहे हैं, अनुराग की स्कूल टीचर। नमस्ते मैडम, क्या बात है, इतनी रात गए फोन किया? सर एक इमरजेंसी हो गई है, जितने जल्दी हो सके आप इतना आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? विवेक और अनुराग तो ठीक है ना? सर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ कैसे हुआ, मगर आपका छोटा बेटा बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया है। क्या बोल रही मैडम आप? जी सर, आई एम रियली सॉरी। आप देर मत कीजिए, जितने जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए, जी आर शुक्ला मेमोरियल हॉस्पिटल। हाँ, क्या हुआ? सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ। अरे पर हुआ क्या? अरे अभी अभी स्कूल से फोन आया था उसकी टीचर का, वो कह रही है कि अनुराग बिल्डिंग से गिर गया है, हॉस्पिटल में है। हे भगवान! देखो तुम चिंता मत करो, तुम तैयार हो जाओ, अभी हम वार्डन से बात करते हैं, वो हमारी विवेक से बात करवाएंगे। फोन लगाइए। पापा, हमें अभी इन्फॉर्म किया गया, हम अभी स्कूल से हॉस्टल आए थे। विवेक बेटा कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कितना सीरियस है, कुछ तो बता। पापा हमें कुछ भी नहीं पता पापा, वार्डन सर ने अभी बताया कि स्टाफ क्वार्टर्स में हुआ है। स्टाफ क्वार्टर में? लेकिन अनुराग वहाँ क्या कर रहा था? पता नहीं पापा, हम सब बस अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम बेटा बस अभी पहुँच रहे, तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जीनियस विजन स्कूल से केस आया। स्कूल से? सर कोई 8वीं क्लास का बच्चा बिल्डिंग से गिर गया, किसी को नहीं मालूम कैसे गिरा, काफी क्रिटिकल है। सर, सर हमारा भाई कहाँ है सर? वो ऑपरेशन थिएटर में, विवेक बैठो, बैठो। हमें मिलना है सर। सर वो हमारा भाई है, हमें मिलना है उससे। नहीं अभी नहीं मिल सकते। नहीं मतलब है कैसा अनुराग? I'm sorry, हम कुछ नहीं कर पाए। The boy was dead on arrival. विवेक, विवेक, रिजवान। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। शायद हमारे चेयरमैन साहब ने इन्फॉर्म कर दिया होगा पुलिस। सुमित जी, सुमित जी, अनुराग कहाँ है? पर विवेक फोन नहीं उठा रहा है। हॉस्पिटल में फोन साइलेंट पर रखने को कहा होगा, तुम ट्राई करती रहो। भाई विवेक, फोन उठा ले यार, शायद तेरे मॉम डैड का हो सकता है यार। क्या बोले यार मम्मी पापा को? रिंग तो जा रही है पर वो उठा ही नहीं रहा। दीपा तुम फिक्र मत करो, हम थोड़ी देर में बेतना पहुंच जाएंगे अपने अनुराग के पास। डेड ऑन अराइवल का केस है इंस्पेक्टर। जब बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया तो उसकी पल्स नहीं थी। He had multiple fractures, internal bleeding और skull fractured. अभी डिटेल में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग बता रहे थे कि वो बिल्डिंग से गिर गया था। एक रात पहले पूरा स्कूल बच्चों के उत्साह और खुशी का एक बागान था, और एक रात में यह अब एक खौफ का वीराना हो चुका था।
रंगारंग एनुअल डे के 48 घंटे पहले मौत ने अपनी भयंकर स्याही सारे स्कूल पर छिड़कती थी। सर, हम यहां से आ रहे थे, आते आते ऊपर से अचानक इधर धप, यहाँ ऊपर से। ऊपर से मतलब एग्जैक्टली कहाँ से? इतना तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा फील हुआ कि ऊपर से कुछ गिरा और एकदम वो उसका बॉडी। अब आ कहाँ से रहे थे? सर, स्कूल से एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी। वो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर है, इसलिए बच्चों का काम सुपरवाइज कर रहे। और आप स्कूल से लगभग कितने बजे निकले थे? जी, वो 1:30 बजे तकरीबन। उधर से इधर आने में 5-7 मिनट लगते हैं। हाँ, एक बात और। क्या क्या बोलिए। वो जो अनुराग बच्चा, वो भी 12:30 बजे तक खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था। सर, ये देखिए। बहुत बढ़िया अनुराग, कीप इट अप। थैंक यू सर। अच्छा सर, अभी मैं बहुत नींद आ रही है, हम बाकी का कल कर ले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर पार्थो, कुछ बता सकते हैं कि अनुराग यहाँ स्टाफ क्वार्टर में क्यों आया होगा? सर, ये सवाल तो सभी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है सर। चौदह वर्षीय 8वीं कक्षा का स्टूडेंट अनुराग मंडल रात के लगभग 1:30 बजे स्टाफ क्वार्टर्स की बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर गया। दो सवाल उठ रहे थे। एक, अनुराग इतनी रात को स्टाफ क्वार्टर्स में क्या कर रहा था, और दूसरा, वो कैसे गिरा और कहां से गिरा। सर, चाबी हमारे पास रहता है, एडमिन से जब ऑर्डर आता है तो हम चाबी देते हैं। प्लीज ताला खोलिए। अनुराग यहीं था? कल रात को तो ये टेरेस लॉक था, एडमिन से कोई ऑर्डर नहीं आया था। टेरेस हमेशा लॉक रहता है? सब ज्यादातर लॉक होता है, क्योंकि इसका कुछ इस्तेमाल है नहीं। सो अच्छा, जब अनुराग कल रात यहाँ से गिरा तो आप में से किसी ने उसके चीखने की आवाज सुनी? इनफैक्ट हमने भी नहीं सुनी, और वो धड़ाम से। हमें कोई कुछ नहीं बता रहा, हम पेरेंट्स को नहीं पता कि हमारा बेटा कहां से गिरा, कैसे गिरा, कब गिरा। क्या आप बॉडी को देख पाए हैं? हमने तो सबसे अच्छा स्कूल समझकर अपने दोनों बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजा था, जब है ये दिन देखना पड़ रहा है। मिस्टर चेयरमैन, क्या आप मानते हैं कि सिक्योरिटी ब्रेक हुई है आपके स्कूल में? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे स्कूल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल बेदाग रहा है, पर हाँ, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हम पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सर, पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। हम तो खुद ही हैरान हैं कि एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा स्टाफ क्वार्टर में इतनी रात कैसे पहुंच गया। हमारा डांस रिहर्सल कुछ 12 बजे खत्म हुआ, उसके बाद हम घर आ गए। हम भी सुहा को लेकर 11:30 बजे के आसपास घर आकर सो गए थे। रिजवान भी 12 बजे आ गया था। एक्चुअली मम्मा, हम अनुराग के साथ ही थे। हम अनुराग, जतिन, पार्थो सर और बाकी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में बैठकर पेंटिंग्स कर रहे थे। फिर लगभग 12 बजे अनुराग ने हमसे कहा था कि 1/2 घंटे में वो भी जाकर सो जाएगा। फिर वो यहाँ कैसे आया, वो भी रात के 1:30 बजे? रियली स्ट्रेंज शारदा। मथुर, दाल में काफी कुछ काला लग रहा है। देखो, अगर टेरिस लॉक था तो इसका मतलब यह है कि बच्चा कहीं और से गिरा है। सर, हो सकता है कि किसी ने टेरिस का लॉक खोला हो, बच्चे को धक्का दिया हो और फिर वापस लॉक कर दो। ये केस काफी अटपटा लग रहा है। देखो, अगर बच्चे को किसी ने धक्का दिया तो सोचने वाली बात यह है कि बच्चा चिल्लाया क्यों। हाँ सर,
पूरे स्टाफ क्वार्टर में किसी ने बच्चे की चीख नहीं सुनी। या फिर बच्चा गिरने से पहले ही खामोश हो गया हो। सर अगर ऐसा हुआ भी हो, सवाल यह है कि एक 14 साल का क्लास 8 का स्टूडेंट रात को 1:30 बजे स्टाफ क्वार्टर में क्या करने आया हो? सुसाइड। क्या ऐसा हो सकता है कि अनुराग ने अपने बॉयज हॉस्टल से यहाँ दूर आकर सुसाइड किया हो? सर रात को 12 बजे तक पेंटिंग्स बना रहा था, उसके आर्ट्स टीचर के मुताबिक खुशी खुशी बना रहा था। अगर उसको सुसाइड करनी भी थी तो सवाल यह है कि उसको टेरेस की चाबियां कहाँ से हैं? महेश, अनुराग के साथ बॉयज हॉस्टल में रैगिंग तो नहीं चल रही थी? नो सर, रैगिंग के तरफ तो हमारी जीरो टॉलरेंस है ना। ऊपर से सर विवेक जो अनुराग का बड़ा भाई है, he was very protective about अनुराग। रैगिंग नहीं चल रही थी तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। आप प्राइवेट में इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जी सर, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ हम भी इंक्वायरी कर लेंगे। जोरो मैम और शारदा मैम, आप दोनों स्टाफ क्वार्टर जाइए और पता लगाइए कि अनुराग वहां किसके वहां आया और क्यों आया। और आनंद जी और विजय जी, आप अपने लेवल पे पता कीजिए, बच्चों से बात कीजिए, आखिर प्रॉब्लम का पता तो चले कि हमारे स्कूल में चल क्या रहा है। हमारे स्कूल की रेपुटेशन बिल्कुल बेदाग है, जो हुआ अब वही रेपुटेशन खतरे में है। मीडिया वाले और पुलिस वाले तरह तरह के सवाल पूछेंगे, हमें उनके हर सवाल का जवाब ठीक ढंग से देना है और यह भी पता करना है कि अनुराग स्टाफ क्वार्टर में कैसे पहुंचा और इतनी ऊंचाई से, इतनी खामोशी से कैसे गिरा। और हाँ, कहने की बात नहीं है कि परसों का एनुअल डे इज कैंसिल्ड। कि बच्चा बेहोश था। बेहोश? ये देखिए, ये सारे गिरने की वजह से हुए हैं, लेकिन 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 लीवर पंक्चर और ये गिरने की वजह से नहीं हुआ है। तो फिर ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? पीटने की वजह से, किसी ठोस ऑब्जेक्ट से। यू मीन मर्डर? असॉल्ट, ब्रूटल असॉल्ट। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि और उसके बाद ही बेहोशी की हालत में इसे ऊपर से नीचे फेंका गया, इसीलिए किसी ने गिरते वक्त इसकी चीखें नहीं सुनी थी। सर पूरे स्कूल के कैंपस में सीसीटीवी लगे हुए, स्टाफ क्वार्टर में। फुटेज मांगो। हम बिल्कुल ठीक हैं। मम्मी की याद नहीं आती? मम्मी की याद नहीं आती? आती है, लेकिन खाने के बाद। खाना अच्छा नहीं मिलता वहाँ पर? खाना ठीक है, लेकिन आपके जितना अच्छा थोड़ी ना है। अच्छा, तो ये बात है। तो हम ना रोज गाड़ी से आएंगे, तुम दोनों को डब्बा देंगे और फिर वापस आ जाएंगे। मतलब अभी आप हमें खाना खिलाने के लिए 3 घंटे की ट्रैवलिंग करके आओगे? आप मम्मी नहीं, मदर इंडिया हो। हम ना तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम दोनों को वापस यहीं पर बुला लेते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली ना काफी एंजॉय कर रहा हूँ। पर हम ना ये एंजॉय कर रहे ना, हम तुम दोनों को कितना मिस करते हैं। बस अब हम आपको रोज किसी देंगे, तब तो आप हमें मिस नहीं करेंगी ना। मेरा प्यार अनु बच्चा। यार मम्मी अनु वनु मत बोला करो ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अच्छा, अब हमारा अनु बच्चा बड़ा हो गया? यार मम्मी। ओके सुनो, अब मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, ओके मैं रखता हूँ। ठीक है अनुराग बेटा, ठीक है अनुराग बेटा, बाय, लव, बाय, बाय, लव यू टू, बाय बाय, लव यू टू, बाय। साइंस टीचर जोरा मलिक और उसकी बेटी सोहा आज सुबह मिले। सोहा उसी स्कूल में क्लास 8 की स्टूडेंट। रिजवान मलिक, जोरा मलिक का बड़ा बेटा, सुबह ये भी था, राइट? राइट सर, क्लास 10th का स्टूडेंट। शारदा मुखर्जी, डांस टीचर, सुबह ये भी थी। ये बच्चा अनुराग मंडल 12:30 बजे स्कूल के हॉस्टल मिला, राइट? आर्ट्स टीचर पार्थो दत्ता ने तो यही बताया, 12:30 बजे तक खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था।
स्टाफ क्वार्टर्स का रास्ता है कोई 5 से 7 मिनट का। 12:30 बजे अनुराग मंडल स्कूल से निकलता है, लेकिन 1 बजे तक स्टाफ क्वार्टर्स पहुंचेंगे। डेढ़ बजे तक अनुराग मंडल स्टाफ क्वार्टर्स में एंटर ही नहीं हुआ, जबकि 1:32 पर वो ऊपर से नीचे गिरता है पार्थो के सामने। कैमरा के इस एंगल में 1:32 पर पार्थो की एंट्री तो दिखाई दे रही, लेकिन बॉडी गिरती भी नजर नहीं आ रही, और पूरे स्टाफ क्वार्टर में सिर्फ एक यही सीसीटीवी। हॉल का सीसीटीवी फुटेज लगाओ। अनुराग मंडल 12:26 पर स्कूल के हॉल से निकलता है, जैसा कि आज टीचर पार्थो ने कहा था, लेकिन बॉयज हॉस्टल तो पहुंचा ही नहीं और स्टाफ क्वार्टर में भी उसकी एंट्री दिखाई नहीं दे रही। और फिर लगभग 1:30 बजे वो स्टाफ क्वार्टर्स में ऊपर से नीचे गिरता है, जबकि टेरेस लॉक था। इसका मतलब ये हुआ माथुर कि अनुराग मंडल किसी न किसी फ्लैट से नीचे गिरा है, जहां शायद उस पर हमला किया गया या मारपीट हुई थी। माथुर ये भी तो हो सकता है कि स्टाफ क्वार्टर्स में जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। एक गेट तो यूज ही नहीं होता है, वो इसीलिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया, और करना चाहिए था, और इनफैक्ट हम करने भी वाले थे। चेयरमैन साहब, अगर कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, या फिर फ्यूचर में कभी करेगा ना। अगर टीचर्स क्वार्टर में चुपके से आना तो इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? चुपके से जी। देखिए, स्टाफ क्वार्टर के फ्रंट कैमरा में अनुराग की एंट्री नहीं है, जाहिर है वो इसी रास्ते से आया, या फिर लाया गया जानबूझकर, ताकि वो सीसीटीवी कैमरा में दिखे ना। पहले पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को शक था कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी। स्टाफ क्वार्टर्स के एकमात्र सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में अनुराग का ना दिखना और स्टाफ क्वार्टर्स का एक पीछे का एंट्रेंस होना इस शक को और गहरा करता गया कि 14 वर्षीय अनुराग के साथ कुछ भयंकर हुआ था। और फिर आई पोस्टमार्टम की दूसरी रिपोर्ट। सर, इस बार हमने ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज की डिटेल स्टडी की है, लेकिन इसमें कोई भी अननेचुरल कोई जी नहीं। सर, सर अनुराग ने हमें कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं स्कूल में, हॉस्टल में। सर, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम उसके साथ फोन पर बात नहीं करते थे। बड़ा खुश रहता था हमारा बच्चा उधर। हमने कई स्कूल ढूंढे सर, इस स्कूल की रेपुटेशन सबसे अच्छी थी। इस वक्त आप सभी गहरे शॉक में हैं, पर एक बात बतानी है आपको। हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि आपके बेटे अनुराग को पहले बुरी तरह से पीटा गया था। उसकी बॉडी में गहरी इंजरीज हुई हैं, जो गिरने से नहीं हो सकती। आपका बेटा गिरा नहीं, बल्कि उसे बेहोशी की हालत में गिराया गया था। विवेक, तुम्हारे भाई अनुराग का स्टाफ क्वार्टर्स में आना जाना था क्या? नो सर। स्टाफ क्वार्टर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वहां पर अनुराग की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन स्टाफ क्वार्टर के बैक में एक छोटा गेट भी, वहां से भी आया जा सकता है,
और वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है। शायद अनुराग ने वहां से एंट्री ली होगी ताकि वो सीसीटीवी कैमरा में कैद ना हो सके। लेकिन हमारा बच्चा इतनी रात को ऐसा क्यों करेगा सर? यही तो हम भी सोच रहे हैं सत्यन जी, क्यों ऐसा क्यों करेगा? या फिर ऐसा है कि उसे ऐसा करवाया गया है? सर बस यही बात चल रही थी कि ऑरेंज कलर थोड़ा और डालना चाहिए जिससे कि पेंटिंग उभर के आएगी। सब पेंटिंग बहुत अच्छा करता था। रिजवान निकलने से पहले तुम्हारे अनुराग से कोई बात हुई थी? हम बस उसे बाय कह रहे थे और अगले दिन की प्लानिंग जरूरी थी। लेकिन सर उस दिन अनुराग ने ऐसा कुछ भी अजीब नहीं कहा था। क्या तुम बता सकते हो कि अनुराग स्टाफ क्वार्टर में किस फैमिली से मिलने गया होगा उस रात या उससे पहले कभी? नो सर, हमें नहीं मालूम। अभी तक हमने टीचर्स क्वार्टर के हर कमरे हर घर में चेक कर लिए, अनुराग कहीं किसी के यहाँ नहीं आया था। सर हमने सिर्फ टीचर्स नहीं, एडमिन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ सबका घर में पूछ लिया, सेम आंसर। अनुराग स्टाफ क्वार्टर आया क्यों? वो भी इतनी रात गए? सर अगर सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो जाहिर सी बात है कि अनुराग बैक एंट्रेंस से आया। सो व्हाट डू यू मीन मिसेस मलिक? बोलिए। सर कहीं कुछ और तो नहीं है? मतलब? जैसे एक थॉट आया मन में सो मैंने शेयर किया। कुछ और क्या हो सकता है? सुमित जी, आपको कभी स्कूल में शराब या ड्रग्स की कोई स्मेल महसूस हुई? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर, हम कड़ी से कड़ी नजर रखते हैं सब पर। वार्डन सर, आप हमको इतने सालों से जानते हो, हम सब मस्ती खूब करते हैं पर हमेशा क्लीन मस्ती। आपको लगता है कि हम सीनियर्स इस कैंपस में कभी ड्रग्स वग्स अलाउ करेंगे? तो फिर अनुराग इतनी रात गए, पीछे के एंट्रेंस से स्टाफ क्वार्टर्स में गया ही क्यों था? किससे मिलने? क्या हो रहा है वहां पर? सर अगर हमें जरा से भी भनक होती तो हम आपको और पुलिस को कब का बता चुके होते हैं। हम कोई बात क्यों छुपाते सर? कोई ना सिर्फ छिपा रहा है बल्कि हमें गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। सर अगर अभी तक किसी ने कुछ कहा है तो वो है सिर्फ आर्ट्स टीचर पार्थो दत्त जो वहीं रहता है, और उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि सामने वाले सीसीटीवी का एंगल कुछ ऐसा है कि ऊपर से गिरने वाली चीज़ उसमें कैप्चर नहीं हो सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? सर एक थ्योरी बन रही है। क्या सर? क्या ऐसा हो सकता है कि जो आदमी सबके सामने खुलकर बोल रहा हो, इस पूरे हादसे का इकलौता गवाह हो, शायद वही झूठ बोल रहा हो? सर जरा सोचिए, पार्थो को ये बात पता थी कि पीछे के एंट्रेंस पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं, हो सकता है कि उसने अनुराग को पीछे से आने के लिए कहा या किसी बहाने से उसे पीछे से बुलाया और खुद भी पीछे से आ गया, कांड किया हो और उसके बाद बॉडी को स्पॉट पर रख दिया और उसके बाद पीछे के रास्ते से निकल के आगे के रास्ते से एंटर किया, उसके बाद चिल्लाया हो और फिर सबके सामने ऊपर से गिरता देखने वाला झूठ बोल दिया। ये आज टीचर पार्थो दत्ता कौन से फ्लैट में रहते हैं? सेकंड फ्लोर रूम नंबर 8। थैंक यू। शारदा मिस, पुलिस फिर से आई है? हाँ। किसके आई है? पार्थो सर का पता पूछ रहे थे। आप हमारे घर की तलाशी लेंगे इंस्पेक्टर? नहीं, हम सिर्फ आपकी पेंटिंग्स में कुछ तलाश रहे हैं। क्या तलाश है हमारी पेंटिंग में? मिस्टर पार्थो, ये क्या है?
पेंटिंग है? हाँ, लेकिन किस चीज की पेंटिंग है जिसे आपने रिजेक्ट कर दिया ये क्रॉस लगाकर? किसकी है ये पेंटिंग? सर, बच्चों को पेंटिंग पढ़ाते हैं तो किसी ना किसी बच्चे की होगी, और ये हमने इसे रिजेक्ट नहीं किया, ये क्रॉस इस पेंटिंग का हिस्सा है। इंटरेस्टिंग। तो मिस्टर पार्थो, बताइए कि क्या मतलब है इस पेंटिंग का और इस क्रॉस का? एनुअल फंक्शन में स्वच्छता एक स्किट होने वाला था, तो ये पेंटिंग उसी का हिस्सा था। ये पेंटिंग का बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, ये कूड़े को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो क्रॉस है ये कूड़े को रिजेक्ट करता है, ऐसा कुछ कल्पना होगा बच्चे का। मिस्टर पार्थो, इस फैमिली क्वार्टर में अकेले रहते हैं? जी, क्यों, सिंगल है बेटा? ऐसा सवाल तो आज तक मेरा फैमिली ने भी नहीं किया। अभी अभी जिस फैमिली से हम मिलकर आ रहे हैं ना, उनकी सारी खुशियों पर, सारे अनुमानों पर ऐसा क्रॉस लग गया है, ऐसा। इसलिए सवाल तो हम करेंगे, प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी। आप हम पे शक कर रहे हैं अनुराग मंडल की डेथ का? यस, हम आप पर शक कर रहे हैं, और हमारे सवालों का जितना सीधा और सच्चा जवाब देंगे हमारा आप पर शक उतना कम होगा। हमने आज तक टेढ़ा या उल्टा जवाब नहीं दिया जी, फिर भी जो कुछ आपको पूछना पूछिए। आपकी फैमिली कहाँ है मिस्टर पार्थो? कोलकाता में। माथुर, इस पार्थो दत्ता की पर्सनल कुंडली निकलवाओ, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। सर, वैसे इस पर शक तो मैंने ही किया था, लेकिन अब डाउट हो रहा है कि क्या वाकई में इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है माथुर, और जहाँ तक सवाल क्यों का है, तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि टीनेज लड़कों का यौन शोषण किया जाता है, कभी उनके रिश्तेदारों द्वारा, कभी टीचर्स के हाथों। हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा हो, और जैसा कि बहुत सारे केसेस में होता है, बच्चा मुंह खोलने से कतराता है, कभी डर की वजह से, कभी शर्म की वजह से, और कभी इस वजह से कि कोई उस पर विश्वास नहीं करे, और ऊपर से नाजुक हो। विवेक, सच सच बताना, क्या अनु कोई तकलीफ में था जिससे वो हमें कहने में हिचकिचा रहा था, या फिर कोई बात का डर था उसे? अनुराग ने ना तो हमसे कभी जिक्र किया, ना कभी हमें उसके बिहेवियर में कोई चेंज दिखा। कोई सीनियर सताता हो, या फिर कोई टीचर ने कुछ? नहीं मम्मा, अनुराग हमें सब बातें शेयर करता था हमसे, तो कोई सीरियस बात होती तो हमसे क्यों छुपाता? देखिए पार्थो सर, एक बहुत ही अच्छे टीचर है, पॉपुलर है स्टूडेंट्स, वो अगर पावर्ट या विकृत होते तो इतने साल टिकते नहीं स्कूल में। कुछ मामलों को सामने आने में सालों लग जाते हैं, और कुछ मामले सामने आते ही दबा दिए जाते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, किंतु हमारा स्कूल भी ऐसा नहीं है, और ना ही हमारा मैनेजमेंट। तो फिर पार्थो दत्ता की डिटेल्स ईमेल करने में प्रॉब्लम क्या आपको? प्रॉब्लम कहाँ है सर, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। आदमी अगर सही हो ना, तो गलत इल्जाम को भी चीर कर बाहर निकल रहे हैं। हम आपकी ईमेल का वेट कर रहे हैं। अभी भेज रहे हैं सर। और एक बात, आपके स्कूल के स्टाफ में कभी भी ऐसा केस हुआ हो, बच्चों को मारने पीटने का, सेक्सुअल अब्यूज, या कोई भी ऐसा केस जो आगे तक ना गया हो, हमें उसकी भी सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर, बिल्कुल। यार आशीष, क्या लगता है, बता देना चाहिए? नहीं सूरज, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई कनेक्शन हो सकता है। तुमको कैसे मालूम? हमको नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। सच बोले आशीष, डर तो हमको भी लग रहा है। सूरज, भूल जाए इस बात को, बेस्ट है।
गुड मॉर्निंग पार्था सर। गुड मॉर्निंग। सर आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। सर उस दिन जब अनुराग बिल्डिंग में से गिरा तो आपने बिल्कुल नहीं देखा कि वो कौन से फ्लोर से गिरा? जरा जी, आदमी सामने नीचे देख कर चलता है, आकाश में नहीं। आप भी पुलिस वालों की तरह और टाइप सवाल, सारा स्कूल यही समझता है कि मैं इन्वॉल्व हूँ। नहीं सर, सर सॉरी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो रियली सॉरी। और हाँ, स्कूल क्या कोई भी आप पे शक नहीं करता, हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी सर। हमने कोई आवाज नहीं सुनी। हाँ, जब पार्थू सर चिल्लाने लग गए तब हम रिजवान भाई और अम्मी उठ के नीचे भाग गए। लेकिन रिजवान और अनुराग तो एक साथ थे ना, हॉल में पेंटिंग बना रहे थे। हाँ थे, लेकिन रिजवान भाई कह रहे थे अनुराग एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, उसने कुछ नहीं कहा भाई से। सब पुलिस भी हमसे यही पूछ रही थी और हमने उनको भी यही जवाब दिया कि अनुराग ने हमसे कुछ भी नहीं कहा था। और सर यही सच्चाई है, सब बहुत नॉर्मल था। ओके रिजवान, बस हम क्लेरिफाई कर रहे थे, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। कहीं उस बात का इस केस से तो ताल्लुक नहीं? फ्रेंकली हम समझ नहीं पा रहे, हमें लगता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है सामने से कि अगर स्टाफ के खिलाफ कंप्लेन हो पहले की भी तो उन्हें डिटेल्स चाहिए। हाँ तो दे देते हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स, ये लिटमस पेपर है, इस पेपर से हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या अल्कलाइन। अच्छा ये बताओ, ये लाइम जूस जो है एसिडिक है या अल्कलाइन? एसिडिक सर। गुड, ये देखो, देख रहे हो ये ब्लू वाला, ये जो है ये लिटमस पेपर जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो गया, लेकिन ये लाल वाला जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस लिटमस टेस्ट का जो है केमिस्ट्री लैब के बाहर में अलग मतलब है। तो किसी को पता है व्हाट डज लिटमस टेस्ट मीन? सर, कोई आदमी सही है या गलत, इसकी जब फाइनल टेस्ट की जाती है उसे लिटमस टेस्ट कहते हैं। दैट इज करेक्ट। गुड सर, स्कूल से पार्थो दत्ता के सारे रिकॉर्ड्स आ गए, पास्ट वर्क रिकॉर्ड, सब कुछ। मैंने हर जगह इंक्वायरी की, फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, कोलकाता में खबरियों ने इसके परिवार और उनका बैकग्राउंड भी चेक किया, सब क्लियर है सर। हम कॉन्फिडेंटली इस आदमी को अपने शक के दायरे से दूर रख सकते। माथुर, ऐसा लग रहा है कि ये केस ही हमारे दायरे से बाहर होता जा रहा है। एक स्कूल के स्टाफ क्वार्टर्स में लगभग रात के 1:30 बजे एक बच्चे का मर्डर हो जाए और हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा कोई सबूत नहीं। एक सस्पेक्ट था, अब वो भी नहीं। हमारे हाथों में एग्जैक्टली है क्या? हेलो प्रिंसिपल सुमेध हियर, आपको एक बात बतानी। प्लीज। अब हमें नहीं पता कि ये बात इस केस से कितनी रिलेवेंट है, पर फिर भी वो हम देख लेंगे। आप बोलिए प्रिंसिपल साहब। एक टीचर के बारे में बात करनी थी, अब जो कि वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री टीचर थे, उन्हें निकाला गया था। कौन है ये, नाम क्या इनका? जी उनका नाम है याकूब मलिक। ये देख रहे हो, ये रेड वाला ब्लू हो गया, लेकिन ये ब्लू वाला इसमें कोई असर नहीं हुआ है। तो इससे ये पता लगता है कि लगभग सभी केमिकल्स का जो है वो लिटमस पेपर पर टेस्ट करने पे पता चल जाता है, सीधे सीधे बताता है कि वो एसिडिक है या अल्कलाइन। लेकिन कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिन पर जो है लिटमस पेपर काम नहीं करता है। मतलब सर, लिटमस टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है? देखो, केमिस्ट्री हो या लाइफ, जजमेंट में मार्जिन ऑफ एरर हमेशा होता है, 2 और 2 हमेशा 4 रहे ऐसा जरूरी नहीं है, समझे? आपने इस याकूब मलिक का जिक्र क्यों किया? इस केमिस्ट्री टीचर की हिस्ट्री क्या है?
जी दरअसल ये याकूब मलिक हमारे सर्विंग टीचर के पति हैं। जोहरा मलिक? जी जोहरा मलिक। प्रिंसिपल साहब ये बात आपको हमें पहले दिन ही बता देनी चाहिए थी। तो हम अभी आपके पास आ रहे हैं तुरंत याकूब मलिक की पूरी स्टोरी के साथ। सब कुछ साफ साफ। ओके सुमित जी। आखिरकार पार्थों के अलावा रिकॉर्ड जुबान तो खुली। अब देखते हैं कि क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, क्या दिखता है और क्या छुपाया जाता है। अब देखना यह था कि जीनियस विजन स्कूल के कैंपस में हुए इस भयानक और गंभीर जुर्म का कनेक्शन एक दूसरे स्कूल के केमिस्ट्री टीचर याकूब मलिक के साथ कैसे जुड़ गया। एक 14 वर्षीय स्टूडेंट की उसी के स्कूल कैंपस में काफी संदेहजनक हालत में मौत हुई। स्कूल का प्रशासन और पुलिस दोनों इस बात से अनजान थे कि आखिर यह हुआ तो हुआ कैसे। इस केस के बारे में कुछ लोग कुछ कुछ और कुछ लोग बहुत कुछ जानते थे, लेकिन ठंडे अंधेरे में सिकड़े हुए राज को सच की धूप में बाहर खींचकर लाना पुलिस के लिए आसान नहीं। याकूब मलिक के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जब आपने पार्थो सर की डिटेल के साथ किसी पुराने इंसिडेंट के बारे में पूछा तब हमें 6 महीने पहले वाला मामला याद आया। 6 महीने पहले क्या हुआ था चेयरमैन साहब? याकूब मलिक और उनकी वाइफ जोहरा मलिक दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था कुछ 2 साल पहले। दोनों साइंस टीचर्स हैं। याकूब जी केमिस्ट्री पढ़ाते थे और जोहरा बायोलॉजी। दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके 2 बच्चे हैं सोहा और रिजवान। दोनों को हमारे स्कूल में एडमिशन दिया गया और फैमिली क्वार्टर। जोहरा बेगम भाई जल्दी करो लेट हो रहा है हम। सॉरी 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 चलिए। दरअसल याकूब टीचर बहुत अच्छा था। जहां तक क्लासेस की बात है याकूब मलिक की कोई भी कंप्लेंट नहीं थी। क्लासेस से मतलब उसकी टीचिंग। याकूब मलिक की टीचिंग के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन 8 महीने पहले कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आए। यस मे वी कम इन सर? या कम इन प्लीज सर। एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात आपसे कैसे बोले। जो भी हो बेझिझक बताइए। कोई भी इश्यू क्या क्लास में कोई प्रॉब्लम है? नो सर क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हमारी क्लास के स्टूडेंट्स का एक इंटरनेट ग्रुप है एंड फ्रेंड स्क्वायर पर भी पेज है। उस पेज पर किसी ने गलत छलत फोटोग्राफ्स डाल दिए और जिसने डाले वो और कोई नहीं अपना स्टूडेंट ही। नहीं सर ये बात नहीं है। अगर आप खुलकर बताएंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? सर वो एक्चुअली याकूब सर ने क्या किया? याकूब सर ने सर उन्होंने हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखे हैं, बॉयज को भी सर, एंड वो एक इनविटेशन बेस्ड ग्रुप है। और हमारे स्टूडेंट्स की अपनी अपनी बातें होती है, चैट्स कमेंट्स एंड ऑल सर। आप चाहते हैं कि वो आपको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ना भेजे, ज्वाइन ना करे ग्रुप आप? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से वो लगातार रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और हम उन्हें ब्लॉक भी नहीं कर सकते। पर सर वो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। अरे हम कल फिर से तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे। हाँ सर पर हमने अभी तक चेक नहीं किया। ओ, अच्छा तुम्हारी वो फास्ट फ्रेंड है ना संगीता, उसको भी और तुम्हारे ग्रुप में बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनको भी भेजे। ओके सर। अब सब लोग जो है ऑनलाइन फ्रेंड्स हो जाएंगे। यस सर। तो जब भी लॉग इन करोगी तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी राइट? सर जब टीचर्स कुछ करने को कहे और हम नहीं करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सर हम ये प्रॉब्लम अब तक बहुत डर डर के लाए हैं। और सर ये प्रॉब्लम सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि स्कूल के और कई स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। लेकिन वो आपसे कंप्लेन करने से डरते हैं। हमारे पास आकर और हमें बिल्कुल सच सच बताकर आप लोगों ने बहुत सही कहा प्राची संगीता। हमने से रिएक्शन लिए बट सर आप दोनों का नाम बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की वजह से याकूब को नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं उस वक्त हमने सिर्फ वार्निंग दी थी।
प्रॉब्लम क्या है? जरा एक्सप्लेन करेंगे हमें? प्रॉब्लम है पावर यूज करने से, ना कि फ्रेंडशिप से। बट कौन सा पावर सर? बच्चे टीचर से डरते हैं, उनको ना कहने में ऑकवर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि बगैर किसी बात का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट किए हैं, वो डर के मारे किए हैं? बिल्कुल, जिन बच्चों ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, आप उनको बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ये उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी का मामला है। ऑनलाइन स्पेस हो या ऑफलाइन इंटरेक्शंस, हमें सबकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी है। कोई भी टीचर फ्रेंडशिप के पीछे नहीं, सिवाय आपके। और कोई भी टीचर हमारी तरह पॉपुलर नहीं है। देखिए सर, हम स्टूडेंट के लेवल पर उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्पेस बेस्ट है, और हम सिर्फ पढ़ाने या तनख्वाह लेने नहीं आते हैं। अगर कोई बच्चा आपसे उस तरह की दोस्ती नहीं चाहता तो उनसे दूर रहिए, उनकी भावना को समझिए। और जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है वो काफी डरे हुए थे बताते वक्त। याकूब, हम आपको एक स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रहे हैं, स्टूडेंट्स की प्राइवेसी में दखल ना दे। बस अब हम इस चैप्टर को यहीं दी एंड करें, आप जा सकते। इतनी स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दो महीने बाद याकूब को स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया? हेलो सत्येंद्र जी, PSI माथुर बोल रहा हूँ, वीरबान पुलिस स्टेशन से। जी हम आपको ही फोन करने वाले थे, हमें हमारे बेटे की बॉडी कब तक मिलेगी? आज ही मिल जाएगी, फॉर्मेलिटी चल रही है। अच्छा, आपके बेटे विवेक से बात कर सकता हूँ? विवेक? विवेक, अनुराग का केमिस्ट्री टीचर याकूब मलिक से कोई ताल्लुक था, मतलब क्लास के बाहर पर्सनल लेवल पे कुछ? लेकिन याकूब सर तो 6-7 महीने पहले स्कूल छोड़कर चले गए। हाँ, लेकिन उसके बाद कोई ताल्लुक रहा? स्कूल से निकाले गए केमिस्ट्री टीचर याकूब मलिक का अतीत अब पुलिस के स्कैनर पर आ गया था। सवाल यह उठ रहा था कि क्या याकूब का अनुराग के मर्डर में कोई हाथ था? सर सॉरी, हमें अनुराग और याकूब सर के बीच क्लासरूम के बाहर हुई कोई भी बातचीत याद नहीं। याकूब सर जिस तरह हमारी क्लास को पढ़ाते थे उसी तरह अनुराग की क्लास को भी। किसी सोशल नेटवर्किंग ग्रुप पर, फ्रेंड स्क्वायर, गॉसिप पर या कोई और फोरम? नो आइडिया सर। अनुराग का फ्रेंड स्क्वायर पर अकाउंट था ना? जी सर। बाय एनी चांस तुम्हें उसका पासवर्ड मालूम है? सर अनुराग का फ्रेंड स्क्वायर अकाउंट हम ही क्रिएट किए थे 1 साल पहले जब वो 13 साल का हुआ था। वो पासवर्ड याद है हमें, अगर उसने बदला ना हो तो। ठीक है, ट्राई करके देखो। अनुराग और याकूब मलिक के बीच कोई इंटरेक्शन हुए थे, 1-to-1 चैट या कमेंट्स वगैरह? हम चेक करते हैं। याकूब को जो हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट को लेकर वार्निंग दी थी उसका उसे निकालने में कोई कनेक्शन नहीं है, हमने उसे किसी और ही वजह से डिसमिस किया। और ये और वजह क्या है? सारे स्टूडेंट्स ने केमिस्ट्री पेपर्स के सारे सवालों के जवाब दिए और सभी जवाब एब्सोल्युटली करेक्ट। 8th और 9th दोनों स्टैंडर्ड के? दोनों क्लासेस को केमिस्ट्री याकूब सर पढ़ाते हैं, पेपर्स भी वही सेट करते हैं। मतलब पेपर्स लीक हुए हैं? क्या किसी स्टूडेंट ने बताया कि याकूब सर के हाथों से ये पेपर लीक हुए? सर कोई भी स्टूडेंट ये एडमिट नहीं करेगा सर। आनंद एक काम करो, क्लास 8 और क्लास 9 के एक एक स्टूडेंट्स जिनके भी पहले के केमिस्ट्री के मार्क्स और अभी के फुल मार्क्स में मैक्सिमम डिफरेंस हो, उन सभी के नाम और पुराने पेपर्स निकलवा। लेकिन चुपचाप, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम इंक्वायरी करवा रहे हैं। 3 दिन में मैटर क्लियर हो गया, पेपर वाकई याकूब जी ने लीक किए थे। स्टूडेंट्स ने कबूल किया था? जी हाँ, कुछ क्वेश्चनिंग के बाद, लेकिन हमने उन स्टूडेंट्स के नाम कभी जाहिर नहीं किए। ये क्या नॉनसेंस है प्रिंसिपल साहब, आप हम पर पेपर लीक करने का इल्जाम लगा रहे हैं? इन दो कागजों पर
एट्थ और नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के पेपर लिखे गए हैं, हैंड रिटन है, बिल्कुल उसी ऑर्डर पे जिस ऑर्डर पर पेपर में आए थे। हमें स्टूडेंट से बरामद हुए हैंडराइटिंग आप ही के हैं याकूब जी। हम इसको लेकर के पुलिस स्टेशन जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो हम क्या डरते हैं है? देखिए सर, ये पेपर जो है हमारी फाइल में से चुराए भी जा सकते हैं, है कि नहीं? आप बताइए, आपके पास में कोई प्रूफ है कि हमने ये पेपर जो है डायरेक्ट स्टूडेंट के हाथ में दिए थे है? उसको भी कोर्ट में आना पड़ेगा, वो भी उतना ही गुनहगार है जितना आप हमें मान रहे हैं। धमकी हमें? मिस्टर याकूब, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, आपकी आंखें नीची हो रही हैं, आप पकड़े गए हैं। पर आपने ये सब पैसों के लिए किया या हमसे दुश्मनी निकालने के लिए या जो भी मोटिव है आपका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपको कैंपस में नहीं देखना चाहते, आप अभी के अभी डिसमिस किए जाते हैं, जस्ट गो। या फिर इंक्वायरी फेस करो या पुलिस एक्शन। याकूब को निकाल दिया गया लेकिन उसकी फैमिली वहीं रही कैंपस में। खोट याकूब में थी इंस्पेक्टर साहब, जोहरा अच्छी टीचर है, उनके बच्चे सुहा और रिजवान बड़े होनहार स्टूडेंट्स हैं। जोहरा ने हमसे रिक्वेस्ट की थी उसे और उसके बच्चों को कैंपस में रहने दिया जाए, इसलिए हमने सिर्फ याकूब को कैंपस से बाहर रहने के लिए बोला। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि याकूब मलिक ने ही अनुराग का मर्डर किया ताकि स्कूल का नाम, इज्जत, रेपुटेशन बुरी तरह से डैमेज हो सके? नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हमें असलियत मालूम ही नहीं है। इवन देन उनका कोई कनेक्शन है कि नहीं हम नहीं कह सकते। बस आपने पूछा था कि ऐसा कोई केस है तो हमने सोचा कि आपको बता दें। एक 14 वर्षीय लड़का स्टाफ क्वार्टर्स में देर रात दाखिल हुआ जहां मौत उसके लिए घात लगाकर बैठी थी। एक और शख्स था जो इस रहस्य का भेद जानता था, जानता था कि अनुराग रात को स्टाफ क्वार्टर्स में क्यों गया था, और वो शख्स था अनुराग का कातिल। हेलो, पीएसआई माथुर बोल रहे हैं, वीरबन पुलिस स्टेशन से। आपसे कुछ बात करनी थी, तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। जी, किस बारे में बात करना चाहते हैं आप? आ तो जाइए, सब बताते हैं, वेट कर रहे हैं आपका। लेकिन अभी हमारी क्लासेस है सर। तो फिर क्लासेस के बाद आइए, लेकिन हम आज ही मिल रहे हैं, ये बात पक्की है। जी। भाई भाई एक सेकेंड यहाँ हो ना। एक मिनट, यहाँ हुआ मम्मी पुलिस स्टेशन गई है। क्यों? पता नहीं, उन्होंने फोन किया और बुलाया। तुम एक काम करो, तुम क्लास में जाके बैठो और डरो नहीं, कुछ कुछ रूटीन सा होगा। हाँ विवेक, कुछ पता चला अनुराग के फ्रेंड्स के अकाउंट से? हाँ सर, पासवर्ड सेम था, हमने उसके अकाउंट में लॉगिन किया, बट सर याकूब सर उसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है। श्योर? श्योर सर, हमने चैट हिस्ट्री देखी, हमने सारे पोस्ट पढ़े, बट दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन कभी नहीं दिखा। हमारे हस्बैंड के साथ स्कूल में क्या हुआ ये सब आप हमें क्यों सुना रहे? क्या हम नहीं जानते? हमने खुद झेली है वो तकलीफें, वो दर्द, वो जिल्लत। आप लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस दौरान हमारे हस्बैंड को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी दूसरा जॉब तलाशने में, अपने परिवार से दूर रहने में। एक टॉपिक शुरू करने के लिए बात छेड़ी थी, अब सीधा मुद्दे पर आता हूँ सर। जो भी पूछना है डायरेक्टली पूछिए। 11 मार्च को आपके हस्बैंड आपके फ्लैट में थे? जी नहीं, मेरे हस्बैंड रिया में, वहाँ की सिल्वरनेस्ट एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाते हैं, वहीं रहते हैं। एवरी मंथ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को यहाँ आते हैं ताकि पूरे 2 दिन अपने परिवार के साथ बिता सकें। और वैसे भी 11 मार्च को शुक्रवार था सर। जोहरा जी,
आपके हस्बैंड के अंदर बहुत गुस्सा होगा स्कूल मैनेजमेंट को लेकर, नहीं? अगर किसी भी तरह आप ये सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड का अनुराग मंडल के एक्सीडेंटल डेथ से कोई ताल्लुक है तो आप गलत सोच रहे हैं। गलत तो बहुत हुआ है सोरा जी, एक 14 साल के बच्चे का कत्ल हुआ है। कत्ल, एक्सीडेंटल डेथ नहीं। पहले उसे बुरी तरह से पीटा गया और फिर बेहोशी की हालत में उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। वो बच्चा अनुराग मंडल हमारा स्टूडेंट था, उसकी उम्र के हमारे भी दो बच्चे। इस वक्त उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और कुछ पता नहीं है इन्फॉर्मेशन काम की है भी या नहीं, बट हमें अभी याद आया तो फिर सोचा आपको बता दें। अनुराग एक बार स्टाफ क्वार्टर्स गया था हमारे साथ। कब की बात है? और तुम दोनों क्यों गए थे वहाँ? सर एक्चुअली हमारा क्लासमेट है रिजवान, रिजवान मलिक, उसके घर में पार्टी थी, उसकी बर्थडे पार्टी, तो उसने हमारे साथ अनुराग को भी इनवाइट किया था। याद आया सो सोचा आपको बता दें। अच्छा विवेक, तुम्हें कोई अंदाजा है कि अनुराग स्टाफ क्वार्टर्स में पीछे के गेट से क्यों गया था, सामने वाले से क्यों नहीं? नहीं सर, हमें बिल्कुल नहीं पता सर। हम यही सोचते रहते कि अनुराग ने हमें कभी कुछ कहा क्यों नहीं। सुनिए, हम विवेक को यहीं पर बुला लेते, यहीं किसी स्कूल में भेज देंगे उसे, वह हॉस्टल में भेजना नहीं चाहिए था हमें। दीपक, कई सारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, बहुत से माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने से दूर बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं ताकि उनका फ्यूचर बन सके। हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारा ही बच्चा क्यों? हमारा ही अनु क्यों? ऐसे वक्त में खुद को मजबूत करना होगा। हमने जो खोया है वो कभी लौट के नहीं आएगा। जिंदगी भर का घाव है। विवेक के लिए भी तो घाव है। जिंदगी भर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा कि रहते हुए भी वो अपने छोटे भाई को बचा नहीं पाया। अरे हम उसके घाव को भरेंगे, लेकिन गुनाहगार को तो पकड़वा कर रहेंगे हम। जब आप जीनियस विजन स्कूल में थे तो अपने स्टूडेंट्स के साथ पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं। सर उससे स्टूडेंट्स को फायदा होता है। आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं सर, वो आपको यही कहेंगे। अनुराग मंडल भी आपका स्टूडेंट था, उससे भी आपके पर्सनल रिलेशन थे? जी नहीं सर। 11 मार्च को आप दरिया में थे या फिर यहीं स्टाफ क्वार्टर में? सर थोड़ी देर पहले फोन पर हमारी वाइफ से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि आपने यही सवाल उनसे भी पूछा था। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना आप? जी सर। फिर तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर टेस्ट के 3 रिजल्ट लिए जाते हैं। अभी तो हमारा दूसरा चल रहा है, 11 मार्च। यस और नो? नो, नहीं था। हम त्रिया में थे। सर हमें पता चला है कि आप बड़े जोर शोर से हमारे बारे में तहकीकात कर रहे हैं और स्कूल जो जो कह रहा है उसको आप सच मानकर हमारे बारे में गलत थ्योरी बना रहे हैं। साइंटिफिक तरीका है सर। जिस तरह आपकी साइंस सबूतों के आधार पर आगे बढ़ती है, हम पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन भी वैसे ही सबूतों के आधार पर ही आगे बढ़ती है। और ये सबूत कैसे मिलते हैं? जब उन्हें एक खास डायरेक्शन में खोजा जाता है। और ये डायरेक्शन कहां से मिलता है? अतीत के सबूतों से, जिसे आप एम्पिरिकल डेटा कहते हैं, हम उसे केस हिस्ट्री कहते हैं। जैसे इस वक्त आप केस डेटा, वर्क इन प्रोग्रेस, अगर हमारी भाषा में कहें सस्पेक्ट। सर हमारा डाटा यह है कि ए, हम अनुराग मंडल को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं जानते थे सर। बी, हमारा उसके साथ अलग से कभी भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है सर।
सी, 11 मार्च को हम बेतना में नहीं थे तो फिर स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। डी, 11 मार्च को हम द्रिया के अपने किराए के मकान में थे सर। अगले दिन क्लास की तैयारी करनी थी, सो अब आप जाने या आपके इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक। यार विवेक, अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम सबसे पहले तुम ही को बताते ना। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं? हमें नहीं पता रिजवान, तुम स्टाफ क्वार्टर्स में रहते हो। हमको लगा तुम्हें शायद कोई आइडिया हो अनुराग इतनी रात गए वहां पे क्यों गया था, वो भी पीछे के रास्ते से। ऊपर से आधे घंटे पहले तुम दोनों साथ में थे ना। अनुराग तुम्हारा भाई था और हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते, लेकिन विवेक तुम हमारी बात का भी यकीन करो। हम तुमसे भी वही कह रहे जो हमने पुलिस से कहा था कि हमें सच्ची में कुछ नहीं मालूम है। आज रात को 1:15 पर जोरा मलिक ने अपने शोहर याकूब मलिक को फोन किया था। सर, आपका पॉइंट क्या है? क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड को फोन नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? पर अगर फोन रात के 1:15 किया गया और उसके ठीक 15 बाद एक 14 के बच्चे का कत्ल हो जाता है, वो भी उसी बिल्डिंग, तो घंटी तो हमारे भी बचेगी। स्वराज, आप फिर से घुमा फिरा कर अनुराग मंडल की मौत को हमारे परिवार से जोड़ रहे हैं। सिर्फ आपके परिवार से नहीं स्वराज, बल्कि हम अनुराग मंडल के कत्ल को हर उस फैमिली से जोड़ रहे हैं जिस पर हमें शक है। तो मैडम प्लीज, आप बताएंगी कि रात के 1:15 वो भी एक बच्चे के कत्ल से 15 पहले कि आपने किस सिलसिले में फोन किया था? ये कॉल एक चेक के सिलसिले में किया गया था। हमने याकूब को याद दिलाने के लिए कॉल किया था कि सुबह सबसे पहले चेक भिजवा दें। पर्सनल चेक था सर, एक रिश्तेदार के लिए। और भी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, शुक्रिया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन सर, एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा क्या एक्शन किया होगा जो इतना अनइक्वल रिएक्शन आया? ये फोन कॉल एक्शन था या फिर रिएक्शन, इन दोनों के बीच हम इस केस का फॉर्मूला क्रैक करेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। उस रात को अनुराग स्कूल के हॉल से निकलकर चलता हुआ स्टाफ क्वार्टर्स गया था। वो पीछे के एंट्रेंस से स्टाफ क्वार्टर्स में दाखिल हुआ था किसी खास मकसद से। दीपा, कुछ तो खा लो। गले के नीचे खाना ही नहीं उतरता। जब भी अन्नु से बात करते थे वो हमेशा घर के खाने की ही बात करता था। खाना ठीक है, लेकिन आपका जितना अच्छा थोड़ी ना है। अभी भी हमें ऐसा लगता है जैसे अनु खाने की खुशबू से दौड़ता हुआ आएगा और लपक कर सब कुछ खा लेगा मुस्कुराते हुए। एक तरफ अनुराग के माता पिता असहाय दर्द में डूबते जा रहे थे तो दूसरी तरफ स्कूल के कई लोगों पर इस केस का गहरा असर होता जा रहा था। कोई डर की गिरफ्त में था तो कोई पछतावे की। सारे माहौल पर एक रहस्यमय सन्नाटा सा छा गया था। हेलो जैन सर। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? सर प्लीज हमसे हमारा नाम मत पूछिए। ओके, फोन क्यों किया आपने? कुछ बताने सर। तो बोलिए। नंबर हमारे बॉयज हॉस्टल के लैंडलाइन का था। क्या कहा क्या उस अज्ञात कॉलर ने?
अगर जो उसने कहा वो सब सही है ना, तो हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए, अभी के अभी। हम स्टूडेंट का नाम सामने नहीं लाना चाहते सर। और उस लड़के ने जो कुछ भी बताया इंस्पेक्टर साहब, उससे आपको केस में काफी हेल्प हो सकती है। ये जो कॉलर स्टूडेंट है, ये दावे के साथ कह रहा है कि अनुराग मंडल जोरा मलिक के ही घर गया था। नो, उसने सिर्फ कारण बताया जिसके लिए अनुराग स्टाफ क्वार्टर में गया हो सकता है। आओ अनुराग। अनुराग, तुम्हें याद है हमारे बर्थडे के दिन तुम बिरयानी कैसे टूट टूट कर खा रहे थे? यार रिजवान, बिरयानी याद मत दिलाओ, अब तो हमारी फेवरेट डिश है, मम्मी से हमेशा बनवाते हैं। हमारे घर आज फिर बनी है, खाने आओगे? यार लेकिन ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है ना। हम बस अभी 10 मिनट में निकल ही रहे, तुम एक काम करो, आराम से पेंटिंग ख़त्म करके हमारे घर पर आ जाओ। Good night, good night. तुम निकल रहे हो? हाँ, तुम जल्दी आ जाना। हाँ बस 20 मिनट और। अच्छा सुनो, पीछे के गेट से आना। क्यों? पीछे सीसीटीवी कैमरा नहीं है ना, आगे सीसीटीवी कैमरा है। सीसीटीवी है तो क्या होगा? देख, एक तो इतनी रात को तू स्टाफ क्वार्टर्स आएगा तो तुझे कोई छोड़ेगा? ऊपर से 25 सवाल पूछेंगे, क्यों आया था, क्या कर रहा था, पेरेंट्स को बुलाओ, और ड्रग्स वक्स का लफड़ा समझे तो और भी तकलीफ। छोड़ ना यार, तू एक काम कर, पीछे के गेट से आ, बिरयानी खा और पीछे के गेट से वापस चले जा। चलिए सही है, ठीक है। सर कब से आप हम पर ऐसा शक किए जा रहे हैं? मिस्टर याकूब मलिक, इस बार ना शक के साथ साथ थोड़ा सा यकीन भी खुला है। एक बार और पूछ रहे हैं, क्या 11 मार्च की रात को अनुराग मंडल आपके घर आया था? आप नहीं बताएंगे तो हम आपके बेटे रिजवान से पूछेंगे। हो सकता है वो मना कर दे, अड़ा रहे अपने झूठ पर आपकी तरह, लेकिन उसके बाद सेम टू सेम सवाल आपकी बेटी सुहा से पूछेगी, लेकिन वो टूटेगी, बहुत जल्द सच बोलेगी। हमारा काम है बोलना, हमने देखा है यार सोहा और अनुराग को साथ में। देख रिजवान, सो हमारी भी बहन जैसी है, और हम कह रहे हैं ना सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, पक्का। लेकिन प्रूफ क्या है? अच्छा चल माना गुड फ्रेंड, लेकिन तू ही सोचना गुड फ्रेंड साथ क्यों पकड़ेंगे? कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अगर टाइम पर कुछ ना किया जाए तो बहुत आगे बढ़ जाती है, और इसका पछतावा जिंदगी भर होता है। देख रिजवान, कुछ चीज़ें ना वन वे रास्ता होती है, जैसे यूटर्न नहीं होता, और एक बार स्टैंप लग गया ना तो बस, फिर कुछ भी कर ले पप्पा इज परमानेंट। क्या करेक्ट नहीं है भाई? तुम्हारी और अनुराग की फ्रेंडशिप। क्यों यार, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तुम दोनों के बारे में। लोग मतलब आपके फ्रेंड्स? तुम वो छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? भाई आपको हो क्या गया है, और मेरी और अनुराग की फ्रेंडशिप से लोगों का क्या मतलब है, आप ही बताइए। हाय रिजवान, तुम्हारा और सोहा का क्या चल रहा है? हमारा और सोहा का कुछ समझे नहीं। हमारी बहन से ना तुम दूरी रहा करो, ये समझे? क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने? अरे वो अभी बच्ची है रिजवान, हम दोनों सेम एज के हैं। तुम ना अभी हीरो ना बनो, और वैसे भी तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना,
सब जानते हैं। फ्रेंड्स, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फ्रेंड्स, राइट? रिजवान, तुम गलत समझ रहे हो। अगर सुहाल लड़का भी होती ना, तो भी हम दोनों बिल्कुल ऐसे ही दोस्त होते। सच में तुम गलत समझ रहे हो। जस्ट फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। भाई रिजवान, बहुत देखे हैं जस्ट फ्रेंड्स। 8th स्टैंडर्ड में ये हाल है, तो ग्रेजुएशन में मतलब वो समझाओ उसको। तेरी सिस्टर है वो, इसलिए हम लोग बार बार समझाते रहते हैं। ये साइंस है, साइंस स्लो बर्न नहीं है दोस्त, क्रिटिकल ही बहुत जल्दी रीच होती है, और उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कंबशन में सब जल जाएंगे। दोस्तों के भड़कावे के तीर लगातार चलते रहे रिजवान पर। उनका मकसद था सोहा और अनुराग के बीच की दोस्ती को रिजवान की आंखों का कांटा बना देना। पर रिजवान की अपनी सोच, अपनी समझ कभी उस भड़कावे के खिलाफ ढाल बन जाती। वो समझ जाता कि अनुराग और सोहा के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है और कुछ नहीं। पर धीरे धीरे दोस्तों का भड़कावा रिजवान की चेतना पर भारी पड़ गया और उसकी सोच का झुकाव उसके दोस्तों की सोच की तरफ झुकने लगा। फिर भी कई बार रिजवान ने सोचा कि वो अनुराग के बड़े भाई और उसके क्लासमेट विवेक मंडल से इस बारे में बात करे, पर रिजवान कभी बात को छेड़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस भड़कावे और शांत सोच के द्वंद्व के बीच उसने अनुराग से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया ताकि वो उसे अपनी बहन से दूर कर सके। इसी मकसद से रिजवान ने विवेक के साथ साथ अनुराग को भी अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था। अब रिजवान पर अनुराग और सोहा को अलग करने का एक जुनून सा छा गया। दोस्तों का कान भरना आखिरकार रंग दिखाने लगा। आपने फर्स्ट टाइम जब हमसे पूछा था, तब हमने जो कहा था वही सच था भैया। आपने कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं सुनी हमारी बात, सबकी सबकी सुनी आपने, सिर्फ हमारी और अनुराग की नहीं सुनी। अनुराग सिर्फ हमारा एक अच्छा दोस्त था। आपने आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हमारे बीच कभी कुछ था? अब हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, इसके बाद ना आपके बच्चों की क्वेश्चनिंग होगी, कड़ी क्वेश्चनिंग होगी। क्या 11 मार्च की रात को अनुराग मंडल आपके घर आया था? आया था, पर क्यों आया था सर, हमें नहीं मालूम। हम नहीं जानते सर, रिजवान ने अनुराग को किस वजह से घर बुलाया था। लेकिन सर, सोहा का इन सब से कोई लेना देना नहीं, वो हमारे साथ बेडरूम में सो रही थी। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आप अंदर के कमरे में सो रही थी, आपको कुछ पता नहीं चला, लेकिन आपके बेटे रिजवान को तो पता होगा। तो सोहरा जी, आप हमें बता रही हैं या फिर बुलाएं आपके बेटे रिजवान को और पूछें अपने अंदाज में? आज के बाद तुम सोहा से हाई बाय भी नहीं करोगे, टोटल कट ऑफ। तो तुमने मुझे ये बोलने के लिए यहां बुलाया? हाँ, और हम ये तुमसे लास्ट बार कह रहे हैं, हमारी बहन से दूर रहा करो। क्यों, ऐसा क्या कर दिया हमने? रिजवान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम और सोहा बस दोस्त है, हम साथ में मिलते हैं, पढ़ाई करते, क्विज करते, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। और जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर हम उससे अपनी फ्रेंडशिप क्यों तोड़े? क्योंकि हम कह रहे हैं उसके बड़े भाई। क्यों, क्या मुझे कुछ तकलीफ दे रहे? अनुराग, तू उसे तकलीफ दे रहा है, तू समझता क्यों नहीं? तूने कभी उसके रेपुटेशन के बारे में सोचा है? आज 4 लोग बात कर रहे, कल पूरी स्कूल बात करेगी। कौन 4 लोग? वो 4 तुम्हारे दोस्त? रिजवान, उन्हें क्या हक है हमारी बुराई करने का? और तुम उनकी बात सुनोगे, हमारी बात कौन सुनेगा? देख अनुराग, तू मुझे लेक्चर मत दे,
और जैसा हम कह रहे ना वैसा कर। कल से सब कुछ खत्म। I'm sorry रिजवान, हम तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम उन फालतू बातों को इग्नोर करो। हम चलते हैं। आरा, थैंक्स फॉर द बिरयानी। रिजवान क्या क्या ये रिजवान, ये अनुराग मंडल हमारे घर में क्या कर, क्या हुआ रिजवान? रिजवान हूँ, तुमसे कुछ पूछने, कुछ बताऊंगी। हमें यकीन नहीं हो रहा था सर कि हमारा अपना बेटा, हमारा अपना रिजवान ऐसा कुछ करेगा कि वो अनुराग को अपने घर बुलाए, वो भी उसे पीटने के इरादे से। तब जब आपने अनुराग को देखा उस वक्त वो जिंदा था? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? क्या किया? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मामा, हमने भाई से कितनी बार कहा कि हमारे और अनुराग के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन भाई ने हमारी कभी नहीं सुनी। पूरी स्कूल बातें करती थी इन दोनों के बारे में। सबने देखा था इन दोनों को साथ रहते, हाथ पकड़ते, हंसते खेलते। भाई आप समझते क्यों नहीं है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। अपने अपने सबकी सुनी, अपनी दोस्तों की सुनी, लेकिन हम दोनों की नहीं सुनी। हाँ जरा क्या हुआ? तो ये था तुम्हारा चेक डिपॉजिट वाला कॉल? अब यही बाकी था। अब स्कूल अथॉरिटी तुम तीनों को वहां से निकाल देगी, तुम्हारा जॉब भी गया समझो। जॉब वहां बाद में देखेंगे याकूब, अभी तो ये अनुराग यहाँ बेहोश पड़ा, हिल भी नहीं रहा। अगर इसे होश आएगा तो बवाल होगा, मुंह खोलेगा, रिजवान को पुलिस ले जाएगी। अभी क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिजवान से कहो कि बाहर झांक कर देखे कि कोई है क्या। बाहर कोई नहीं, शायद सो रहे हैं या फिर एनुअल डे की तैयारी में। ऐसा है, अनुराग को बाहर ले जाओ और क्या याकूब? और उसे ओवर से नीचे ग्राउंड पर फेंक दो। याकूब लेकिन अगर नीचे फेंका तो मर जाएगा। और अगर वो बच गया तो हम बच जाएंगे। जोरा जोरा जैसा कह रहे हैं वैसा करो। रिजवान और सुहा से हेल्प करने को कहो, ठीक है? क्विक, जल्दी जल्दी जोरा, जल्दी करो। अरे कोई है? अरे एम्बुलेंस बुलाओ, मिला कीजिए। सोना मैम, सांस चल रही है। ये जो कुछ भी हुआ ये कभी नहीं हुआ। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं किया। रिजवान हम नीचे जाएंगे तब पता चलेगा कि कोई नीचे गिरा। उस बच्चे को बचाया जा सकता था। अगर तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर नहीं गई होती तो अनुराग मंडल अब तक ठीक भी हो गया होता। तुम लोग भी मां बाप हो, उतने ही बड़े बच्चे हैं ना। उस वक्त उसके मां बाप का दर्द दिखाई नहीं दिया। अनुराग नहीं बचा और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। हर जुर्म का नतीजा सजा है, हमेशा सजा। अनुराग के कत्ल की हकीकत सुनकर पूरा स्कूल सुन पड़ गया। रिजवान की जिंदगी में आग लगाने वाले, अपने आप को उसका दोस्त कहने वाले चारों दोस्त गुमसुम हैं। अनुराग के माता पिता और भाई विवेक वो ये यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं
कि उनके अनुराग को इस तरह और इस कारण से कत्ल कर दिया गया। जोहरा को पछतावा है कि अनुराग की जान बचाई जा सकती थी। जब उसने अनुराग को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका तब अनुराग बेहोश था पर जिंदा था। जोहरा के बयान के अनुसार उसने याकूब को कहा था कि अनुराग की सांस चल रही है, इसके बावजूद याकूब ने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने का ऑर्डर दिया। रिजवान जुवेनाइल कस्टडी में है, जोहरा और याकूब जुडिशियल कस्टडी में, और सोहा की जमानत हो गई है। एक 16 साल का लड़का भड़कावे के कारण बहकावे में आकर एक संगीन जुर्म कर बैठा। कहा जा सकता है कि वो दूसरों के कान भरने की आदत का शिकार हो गया। नाबालिग रिजवान ने भड़कावे में आकर अनुराग पर हमला कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप ने जो किया वो माफी के लायक है ही नहीं। ऊपर से दोनों टीचर्स थे जिन पर बच्चों को पढ़ाने के अलावा उन्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व भी होता है। अपने बेटे से हुए एक जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने अपने अंदर की सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। लूज टॉक, गपशप, अफवाहें, ये सब हर तरफ चलती रहती, लेकिन सुनने वाले को अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर इन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल फेंकना होता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।